हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो ब्लॉग मैंने किचन से स्टार्ट किया है। रोज़ मैं उधर हॉल से स्टार्ट करती थी। यहाँ पे मैंने ये उड़द की दाल पीस कर इसको हल्का सा भून लूँगी। और इधर मैंने चढ़ाई है चने की दाल। तो आज हमारे वहाँ गुरु पूर्णिमा, मतलब आषाढ़ की पूर्णिमा है, तो हम लोगों के वहाँ मनाई जाती है। तो उड़द की दाल की पूड़ी और चने की सीटी ने परेशान कर रखा है। बनती है और घुइया की सब्जी कलारी जाती है और आम और पता नहीं क्या क्या सब जो हमारी सास करती थी वही मैं भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे मायके में नहीं होता था। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आप लोगों का सिंगर फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे गोबर से वो बनाए जाएंगे, किसान असान वगैरह बनाए जाते हैं। और ये मेरी दाल भुन चुकी है, ये पक जाए फिर इसको मैं पीस लूँगी मिक्सी में डाल के। तो चलिए तब तक मैं घी अच्छी लेती हूँ। और मैंने ये गोबर से देख के बना दिया है, इन्हीं की पूजा होती है। चने की दाल की पूड़ी और उड़द की दाल की पूड़ी, आम भुइया की सब्जी घी से चपड़ के रखा जाता है और इसकी पूजा होती है। जैसा हमारी सास करती थी वैसा मैं भी, जैसा जैसा करती थी देखती थी वैसा मैं भी करती हूँ। उनके पिता तो नहीं कर पाते, लेकिन करने की कोशिश करती हूँ जो रीति रिवाज होते हैं उनको निभाओ। मेरी गुड़िया की सब भुइया रखती है, गाय का है और ये उनकी पूजा होगी। तो उनकी पूजा पहले जल मैं चढ़ाऊंगी उनके ऊपर, फिर पत्ती दिखाऊंगी। और मैंने इधर पूजा कर दी है, इन लोगों को भी खिला दिया है, नीचे गाय का भी चला गया है। और अब मैं बनाऊंगी इन लोगों के लिए, तो ये रोटियों की तरह सेकी जाती है, फिर इनको घी कटोरी में घी भर के रखा है, इस पे इसको लगा के तभी ये लोग खाएंगे, तभी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए दो चार और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे खाया जाता है।
और ये देखें सबके खाना मैंने लगा दिया है, घी से चपड़ के रोटी पूड़ियाँ रख दी है, और ये आम कट गए हैं, और ये मेरी चाय बन रही है क्योंकि मुझे चाय की बहुत वो लगी है। चलो ले चलो, ये पापा का ही है दोनों का। तो ये देखिए मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है। क्योंकि ये पूजा करनी होती है तो चाय नहीं पीना होता है, ना चाय ना पानी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का सिंगर फैमिली में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आज हमारे वहाँ गुरु पूर्णिमा है, तो वो मनाई जाती है। तो सुबह मतलब चने की दाल की और उड़द दाल की रोटियों की तरह सेक के उसके घी में चुपड़ कर गोबर से दीवार पर किचन में बना के उसकी पूजा की जाती है। तब तक मैं चाय पानी नहीं पी सकती हूँ, तो मैंने सारा काम फिनिश कर दिया, पूजा भी कर दिया, उन लोगों को खाना भी दे दिया है। और अब मैं अपने लिए चाय बना कर लाई हूँ, चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद कुछ नाश्ता करके दवाई लूँगी। और पूजा मेरी हो गई है, ये गुरु पूर्णिमा है अपने गुरुजनों को। और आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और किस किस के वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चाय पी लेती हूँ क्योंकि मुझे दवा खानी है, 10:30 बज रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो चलिए बने रहिए, आप लोग भी आइए हमारे साथ चाय पीजिए, मैं जा रही हूँ चाय पीने। तब तक के लिए बाय बाय। हम देखें हम रेडी हो चुके हैं, सिंदूर लिपस्टिक मैंने लगा लिया है, अभी नॉन आएंगी तो हमारे रंग लगाएंगी। हमारे त्योहारों में नॉन हमारे घर आती है रंग लगाने के लिए, तो उससे पहले मैंने बार धुला था, सिंदूर और लिपस्टिक लगा लिया है, तब मैं रंग लगवाऊंगी। खाना आने के बाद आराम करने लेट गई थी, दवा ले लेती हूँ तो थोड़ी नींद ज़्यादा आती है। और अब उठी हूँ, बड़ा वाला आया, उसको खाना ना दे दिया है, और मैं भी रेडी हो गई हूँ क्योंकि भी नॉन आने वाली है, रंग लगाएंगी। तो मैंने सोचा कंघा कर लेती हूँ, जूड़ा ही लगाया घर में बहुत ज़्यादा, चलती हूँ नॉन आ रही हूँ, फिर रंग लगाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, अच्छा लगे तो बस वही लाइक सब्सक्राइब। तो चलिए बने रहिए आप लोग, दिखाती हूँ नॉन रंग लगाने आती है। और नौ नाई थी रंग लगा के चली गई है, मैंने उनको खाना भी दे दिया है। और मेरे पैरों में रंग लग चुका है, नौन का भी खाना हो गया, अभी दोपहर के सारे काम से फुर्सत मिल गए हैं। आज शाम को देखती हूँ क्या ये लोग खाते हैं तो बनाऊंगे। और बज रहे हैं 4 बज रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको कितनी बजे आई थी। ये देखिए 4:30-5 बज रहे हैं, और कितनी तेज धूप है, लग रहा भी वही दोपहर के 2 बज रहे हैं, कितनी तेज ज़्यादा धूप। कोई घर के बाहर नहीं दिख रहा है धूप के मारे, देखिए कितनी तेज धूप है, देखिए धूप।
वहाँ दुकान पे एक लोग दिख रहे हैं ना, कोई भी तुम घर के बाहर अपने नहीं दिख रहा धूप के मारे। मैंने आपको दिखाया है बज रहा है 4:45, लेकिन धूप कम होने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, तो चलिए बने रही है ब्लॉग में, देखती हूँ शाम का क्या होता है। अंदर तो अंधेरा है, मैं दिखाती हूँ आपको लाइक करने से। देखिए मैं अंदर आ चुके हैं, देखिए अंधेरा बना हुआ है।